सलाम अपने दर्शकों को दे दें। और लद्दाख के पेंगोंग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की जानकारी मिल रही है। पेंगोंग में जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं, जिस तरह से चीनी सैनिकों की वहां पर तैनाती हुई थी, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। और गलवान में साथ ही साथ पेंगोंग झील, जो फिंगर फोर तक का ये इलाका है, वहां पर किस तरह से चीनी सैनिक अपनी पकड़ वहां पर बनाए हुए थे, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और लगातार जो रणनीतिक तौर पर और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत होती रही है भारत और चीन के बीच, जिसमें चीन इस बात के लिए राजी हो गया था कि वो अपनी सेना को पीछे हटा लेगा, लेकिन लगातार जो चीन की दगाबाजी है वो हम आपको दिखाते रहे हैं। किस तरह से वो बोलता कुछ है और करता कुछ है, दिखावा कुछ करता है। ये पेंगोंग में आप देख रहे हैं भारत और चीन के सैनिकों के झड़प की तस्वीरें। और ये बहुत ही अहम हो जाता है क्योंकि लद्दाख में जिस तरह से चीन के सैनिक लगातार डटे हुए थे और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और एक बार फिर से ये झड़प की खबरें आ रही हैं। और गलवान में 15 जून को जो खूनी झड़प हुई थी, उसके बाद किस तरह से ये तनाव की स्थिति दोनों देशों के बीच में बनी हुई है आप लगातार देख रहे हैं। और उसके बाद कई बार, कई दौर की बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई है, जिसमें इस बात पर समझौता हुआ था, भारत अपने रुख पर अड़ा हुआ था कि 5 मई से जो पहले की स्थिति है उसके लिए तैयार होना चाहिए चीन को, अपनी सैनिकों को वो पीछे हटाए। लेकिन मिलिट्री बिल्डअप लगातार चीन की ओर से हो रहा था और पेंगोंग से चीन की सेना ने वो पीछे नहीं हटे थे, डटे रहे थे। और ये टकराव एक बार फिर से आप देख रहे हैं, ये चीनी सैनिकों के बीच में ये झड़प हो रही है। और ये आप देख रहे हैं पेंगोंग, जो कि रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है पेंगोंग, और वहां पर ये चीनी सैनिक लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। 29-30 अगस्त की रात भी झड़प की ये खबर आई है और ये टकराव जो है ये